उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। तुम दोनों का यही प्यार मेरा बहुत बड़ा सहारा है। जो सीख और संस्कार हमने तुम दोनों को दिए थे, ईश्वर करे तुम दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि अपूर्व का ध्यान काम में कम और निजी मामलों में ज्यादा है। अपूर्वा नाराज क्यों हो रहे हो? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कहा कि खाना लगा दो तो कहती है खाना गिर गया, फिर से खाना ना पड़ेगा। यही कसर रह गई थी बाकी। मेरा बेटा थक हार के ऑफिस से आए और बचा कुचा खाना खा कर अपना पेट भरे। हम आपको कैसे यकीन दिलाए, हम कोई बहाना नहीं कर रहे, तो मैं आपका इंतजार ही क्यों कर रहे होते? ताकि तुम अपनी गलती पर पर्दा डाल सको। क्या बात है आकांक्षा, इतनी रात हो गई तू अभी तक सोई नहीं? माँ मैं अभी बस सोने ही जा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है आकांक्षा कि तुम किसी उलझन में हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन पर किसी बात का बोझ है जो तुम्हें परेशान किए जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे बता दो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, और ना ही मेरे मन पर किसी बात का बोझ है। और अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे सांस लेने से मुझे पता चलता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और जानती हूँ कि तुम ये सोचकर मुझे नहीं बता रही हो कि कहीं मैं परेशान न हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ क्या बात है? माँ वो ये सही समय नहीं है माँ को सच बताने का, थोड़े दिनों में मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या बात है आकांक्षा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। कुछ खास बात नहीं है माँ, वो बस मैं अपनी नौकरी को लेकर परेशान हूं। हालांकि मैंने कुछ स्कूल्स में एप्लीकेशन डाली है, हो सकता है कि एक दो दिनों में कॉल्स आ जाए। भगवान पे भरोसा रखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के बाद मेरा मन किसी भी परेशानी के लिए अब तैयार नहीं है, इसीलिए अपना ध्यान रखना। हाँ माँ मैं ध्यान रखूंगी। और अब सो जाना, नहीं तो सुबह उठने में देर हो जाएगी। मैंने आपसे झूठ बोला है माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी।
सुकन्या हमारी बेटियां। सुबह के 7 बज गए और महारानी अभी तक सो रही है। तृष्णा, तृष्णा, माँ जी, आप वो माँ जी वो क्या ना कि रात को नींद नहीं आई थी, तो मतलब हम रात को लेट सोए थे तो सुबह हमारी आँख नहीं खुल पाई। आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय बनाकर ला देते हैं। पहले ये बताओ कि यहाँ क्यों सो रही थी? वो माँ जी रात को हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि अगर हम कमरे की बत्ती जला देंगे तो अपूर्व की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम बाहर हॉल में आ गए और पता नहीं कब हमें सोफे पर नींद आ गई और हम यहीं सो गए। मेरे बेटे ने जरा सा तुम्हें डांट क्या दिया? तुम नखरे दिखा रही हो और हॉल में सोने का नाटक कर रही हो। यही सब करना है तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? वही तुम्हारा नखरे झेलेंगे। यहां ये सब नहीं चलेगा, समझी? कल्याणी, अरे तुम तो बात का पतंगड़ बना देती। अरे बहू की आंख लग गई होगी इसलिए यहीं पर सो गई। हम का राई का पहाड़ बना दिया। पहाड़? आज मेरे बेटे को नीचा दिखा रही है। इसे अगर हम आज नहीं रोकेंगे ना तो कल को पूरे घर को अपने उंगली पे नचाएगी। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप हमारा विश्वास कीजिए। माँ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा। तृष्णा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं सबके लिए चाय बना के लाती। एक, आप क्यों चाय बनाएंगी? तृष्णा सबके लिए चाय बनाएगी। बेटा, कल तुमने इसे डांट दिया था ना, तो बेचारी नाराज होकर हॉल में ही सो गई थी। सुबह जब मैंने देखा तो मैंने इसे काफी समझाया कि पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही रहता है। तुम माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहने लगी कि मैंने तो गलती की नहीं है, तो माफी क्यों मांगो? बुआ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो अपने माँ को जानती। आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा है बाबा। बेटा, अब सुबह सुबह तुम अपना मूड मत खराब करो। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। तुम पेपर पढ़ो, मैं चाय बना देती हूँ। Thank you.
सुकन्या हमारी बेटियां। दीपक को देखने के लिए डॉक्टर आने वाला है ना? जी माँ जी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही कि उसके पैसे का इंतजाम कैसे होगा। फीस तो हो जाएगी माँ जी, लेकिन अगर उन्होंने दवा या इंजेक्शन लिख दिया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शायद इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि दवा वगैरह का इंतजाम कर सके। मुझे तो इस बात की भी चिंता हो रही है बहू कि ये घर कैसे चलेगा, दीपक का इलाज कैसे होगा। और मैं आकांक्षा से भी कुछ कह नहीं सकती, वो बेचारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और फिर हम किसी से मदद भी तो नहीं मांग सकते। बहू, हमारे पड़ोस में सरला है ना, मैं उससे बात करती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। माँ जी, आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। कल जब सब्जी लेने मैं बाहर गई थी तो सरला आंटी भी वहां थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे आते हुए देखा वो वहां से चली गई। शायद उन्हें लगा हो कि मैं उनसे कोई मदद मांग लूं। हे भगवान, क्या जमाना आया है। तुम्हें याद है बहू, जब सरला की बेटी की शादी थी तब हमारे दीपक ने कितनी मदद की थी उनकी। मुझे सब याद है माँ जी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो तो ये सब कुछ भूल गए हैं। हाँ बहू, शायद यही वो समय है जब अपने और पराए की पहचान होती है। शायद इसीलिए भगवान ने हमें ये दिन दिखाया। और माँ, कैसे रही कल की पूजा? क्या बताऊं बेटा, जैसे तैसे निपट गई। तृष्णा से तो भूख प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं कह रही थी पहले से ही कि व्रत मुझे रख लेने दो। नहीं माँ, व्रत तृष्णा ही रखेगी। 2-3 बार रखेगी तो उसे आदत पड़ जाएगी। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, हमारा मन आलू के पराठे खाने का कर रहा है, तो आप वही बना दीजिए। पराठा? तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आलू अभी बॉयल नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे इसमें कौन सा बड़ा काम है, जाओ जाके आलू चढ़ा दो और हमारे लिए पराठा वहीं ले आना, मेरे कमरे में। चल पूजा। कल्याणी, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है ना? फिर भी आलू के पराठे की फरमाइश हो रही है। तृष्णा ने कल से कुछ नहीं खाया है, इसका किसी को ख्याल नहीं। अरे तो थोड़ी देर में कर लेगी, पहले पूजा के लिए पराठा तो बना दे दो। पूजा ने कल रात को भी खाना खाया था और अभी नाश्ता भी कर लिया है, लेकिन इसने कल से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। पहले इसको नाश्ता कर लेने दो, फिर तुम लोग अपनी अपनी फरमाइश करते रहना। सर चढ़ा लो इसे, पलट के आपको ही जवाब देगी ना, तब पता चलेगा।
चल पूजा, महारानी को पहले नाश्ता कर लेने दे। आजी से हमारी वजह से बहस मत किया कीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, मैं बहुत सालों चुप रहा, लेकिन अगर अब भी चुप रहूंगा ना तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, और मेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती करे बेटा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या कह रहे हैं भैया? हम ठीक कह रहे हैं। कल जब हम दयाल को मिलने जा रहे थे तो छुप छुप कर हमारा पीछा कर रहे थे, तो अच्छा हुआ कि हमने इनको देख लिया, हम दयाल के घर गए ही नहीं, वरना तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाता। मिस्टर थापर, हम भैया के बारे में आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आप शुरू से ही इन्हें पसंद नहीं करते थे, आप तो ये चाहते नहीं थे कि हमारा इनके साथ कोई रिश्ता हो, और ना तो पहले कभी ऐसा हुआ और ना ही ऐसा होगा। एक बात हमने पहले भी कही थी आपसे, अब फिर कह रहे हैं कि बेहतर होगा मिस्टर थापर कि आप हमारे मामलों से दूर रहें। और वैसे भी जहां तक ब्लैकमेल का सवाल है, हमारा पर्सनल मैटर है जिसे हम खुद सुलझाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है इसमें। क्या हमारी कामयाबी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? मल्लिका, ऐसी बात नहीं है, तुम जो समझ रही हो गलत है। बस मिस्टर थापर, आपने वैसे भी काफी कीमती वक्त ले लिया हमारा, आप तो सारा समय घर बैठे रहते हैं, लेकिन हमें हमारा बिजनेस एम्पायर चलाना है और उसके लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान काम पर रखें। उम्र में इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता जीजा श्री। आज तो आपको अकेले पीने में मजा नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए हमने सोचा चलकर आपका साथ दे दें। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है विशंबर। मल्लिका चाहे जो कुछ कहे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। सच्चाई? सच्चाई जानने के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी थापर? हमसे पूछ लिया होता ऐसे ही बता देते। सच्चाई जानना चाहते हो ना? सच्चाई ये है थापर, हम मल्लिका को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसकी सारी दौलत जायदाद अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं।
और हमारा ही इरादा आज से नहीं उस समय से है जब उसके बाप ने सारी दौलत जायदाद मलिका को सौंप दी थी और वो बुढ़ा ही भूल गया था कि हम भी उसी की नाजायज औलाद हैं। आज हम भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। एक एक कौड़ी के लिए हमको मलिका के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन अब बस था पर बस बहुत हो चुका। हमने भी कसम खाई है जब तक मलिका की सारी जायदाद पे कब्जा करके उसे भिखारी नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और एक बात था पर अपने जिस गुनाह को छुपाने के लिए मलिका पानी की तरह पैसा बहा रही है वो गुनाह उसने किया ही नहीं। दीपक का एक्सीडेंट हमने कराया था और मलिका को ब्लैकमेल भी हम ही कर रहे हैं। ये सच सुनकर कैसा लग रहा है जीजा श्री? मजा आ रहा है ना? हाँ, और ये सच जानकर भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही मलिका को बचा सकते हैं। और इसी सच के नाम पर मलिका की बर्बादी और हमारी कामयाबी के नाम पर एक और लगा लेना। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।